नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छोटू कुमार कुशवाहा और आज हम लोग हैं बखरौर गांव में, जो बोधगया से करीब आधा किलोमीटर दूर पे है। और आज हम लोग जा रहे हैं ढुंगेश्वरी पहाड़, जहां पर बुद्ध भगवान ने 6 साल तपस्या किए थे। और हमारे साथ है ये संतोष कुमार और बाकी 4 दोस्त और हैं, 2 बाइक से वो आगे निकल गए हैं और मिलते हैं उन लोग को रास्ते में। हम लोग ये मोहन नदी है और इस पे पुल बना है। अभी देखिए बारिश का मौसम है तो पानी अच्छा है इसमें। इसके बाद 1-2 महीने के बाद बारिश पानी ख़त्म हो जाती है। ये आगे यहाँ पे डैम बन रहा है, कैमरे में उतना शुरुआत हो चुकी है यहाँ से। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे नहीं जाना है, हम लोग को जाना है यहाँ से करीब 5 किलोमीटर आगे, और जहाँ जाना है वहीं पे मंदिर है 5 किलोमीटर आगे। तो पहाड़ की शुरुआत हो चुकी है, देख सकते हैं पहाड़ से। ये देखिए ये रास्ते हैं, रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं फिर भी ठीक है। लेकिन ये रास्ता हम लोग को नज़दीक था इसलिए आ गए हैं। और जो नए लोग हैं उनके लिए पहले गया जाना होगा, और गया के बाद बाईपास से पुल को पार करने के बाद उधर से भुसंडा एक मोड़ आता है, वहाँ से मोड़ मुड़ने के बाद नहीं जाता है रास्ता, तो वो थोड़ा लंबा पड़ता है इसलिए उधर से हम लोग नहीं गए हैं। ये इधर से नज़दीक था इसलिए इधर से आ गए हैं। और ये पहाड़ की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ बहुत लंबा पहाड़ है और बहुत दूर तक गई है और रास्ते बहुत ख़राब हैं। नज़ारे जो आप देख सकते हैं, और ये बादल छाया हुआ है, मौसम अच्छा किए हुए है दोस्तों, और बहुत सुहाना मौसम किए हुए है। और इधर देखिए ये पूरा पहाड़ है, ये बहुत लंबा है, करीब 10 किलोमीटर दूर तक गई है। तो अभी हम आगे चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। और यहाँ का नज़ारा बहुत सुहाना, ये बहुत खूबसूरत नज़ारे, हरे हरे पेड़ हैं। और हम लोग इधर से इसलिए आए हैं कि गांव को एक्सप्लोर कर सके, कैसे लोग इधर का रहते हैं, कैसा घर है, कैसे लोग हैं। सीधे चले इधर। अभी रास्ते बन गए हैं, और मैं कभी इधर 2-3 साल पहले आया था इधर, तो
ये रास्ते बहुत खराब थे, रास्ते खराब क्या थे, रास्ते थे ही नहीं, वैसे ऐसे ही पत्थर के बने हुए थे, बड़े बड़े पत्थर थे रास्ते में। अभी तो बढ़िया रोड हो गया है, पेड़ पौधे हरे भरे कितने सुंदर लग रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है आज। और मेन फन तो होने वाला है वहां पे पहाड़ के ऊपर जाने के बाद में। शायद इधर का सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट वाला। किया जाता है कोरिया कंट्री के द्वारा संचालित किया जाता है। ये स्कूल का बिल्डिंग है और ये एंट्रेंस गेट है इस स्कूल का, सुजाता एकेडमी। ये हम लोग पहुंच गए हैं और ये चढ़ाई कर रहे हैं, बाइक आधे रास्ते तक जाती है, उसके बाद वहां के बाद पैदल जाना होता है। ये देख सकते हैं नज़ारे, चारों तरफ पेड़ पौधे पत्थर और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे दुकानें बंद है, नहीं तो यहाँ पे दुकानें खुली रहती है बिस्किट टॉफी वगैरह का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर और हलवान रहते हैं, तो लोग आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं तो उसको बिस्किट वगैरह देते हैं। ये देखिए ये लोग पहुंच गए हैं, इन लोग के पास बहुत बड़ी बड़ी बाइक है ये बुलेट है, साइन अपना अपना फोटो और क्लिक कर रहे हैं, और लॉकडाउन में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं पहले से भी। हम लोग आ गए हैं पहाड़ के बीचों बीच में है, और वो साइड वो जो देख रहे हैं वो वहाँ पे शहर दिख रहा है, वो है गया शहर है जो बिहार का एक जिला है, और वो नदी है, नदी बह रही है, उसकी नदी का नाम है फल्गु। और फल्गु पहले मतलब वहाँ से पहले
वहाँ पे दो नदी है, एक है मुहाने एक है निरंजना, और बीच में है जो हमारा गांव है। और वहाँ से आगे आने के बाद 2 किलोमीटर आगे आने के बाद दो नदी एक में जब मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है फल्गु। और आप यहाँ से दिखाइए, यहाँ से आप उधर देख सकते हैं तो वहाँ है बोध गया, और आपको शायद कैमरे में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, वहाँ पे मेन मंदिर है, थोड़ा सा हल्का दिखेगा यहाँ से, क्योंकि इधर धुंधला धुंधला है, बारिश का मौसम किए हुए है तो धुंधला इसलिए अच्छा नहीं दिखेगा। और ये है पहाड़ देख सकते हैं, और ये मंदिर है, यही मंदिर को हम देखने आए हैं। यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे बुद्ध भगवान एक गुफा के अंदर 6 साल तपस्या किए थे बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी मंदिर में। अब हम लोग आ गए हैं जहां बुद्ध भगवान ने 6 साल तपस्या किए थे गुफा के पास में। अब आपको गुफा के पास ले चलते हैं, बहुत ऊंचा चढ़ाई करके आना पड़ा। दोस्तों लोग तो थक गए हैं, बैठ गए हैं सारे लोग। ये देखिए जहां बुद्ध भगवान अपना मेडिटेशन में थे। बाकी मंदिर खुला हुआ, एक ये बुद्ध भगवान है, इनको 6 साल तपस्या करने के बाद ये इनका बॉडी पूरा स्केलेटन मतलब पूरा सिर्फ ढांचा बच गया था। तो आप देख सकते हैं, आप नजदीक से दिखाइए इनको, और बगल में एक मंदिर है वो भी बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो उसमें हम लोग नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे और यहाँ पे हिंदू मंदिर देवी देवताओं का ये है मूर्ति है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, शायद पहाड़ के ऊपर से पानी भी आता है हल्का, और ये अब जा रहे हैं ऊपर टॉप ऑफ माउंटेन।
चढ़ रहे हैं हम लोग ऊपर, देखते हैं कितना ऊपर जा सकते हैं। बाइक तैयार है निकलने के लिए यहाँ से, और ये हमारे दोस्तों लोग, और ये हूँ मैं। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।